का जो टॉपिक था वो कौन सा था? क्यों सेकंड सिटिंग भी है क्या? नहीं नहीं, हाँ हाँ बताइए। एक्चुअली मेरा हिंदी एस्टेनो था। ठीक है, तो कौन से टॉपिक से? गांधी जी का टॉपिक था। ठीक है, और टाइपिंग सिमिलर टॉपिक? नहीं नहीं, टाइपिंग का डिफरेंट टॉपिक आया था। वो कौन सा टॉपिक था? वो मैं नहीं बता पाएंगा। अच्छा ओके, जो टाइपिंग्स में जो वर्ड्स यूज़ करे गए थे, जो टाइपिंग जो कंटेंट जो था वो कैसा वर्ड था? हार्ड था। हाँ, एक्स्ट्रा हाइफन कैरेक्टर्स या न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ यूज, वो सब यूज़ नहीं हुए थे ना? टाइपिंग इजी था, ठीक है। हाँ, लेकिन एस्टेनो का जो है ना वो हार्ड था। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। डायरेक्ट बोला गया मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, अब इतना लंबा नाम, कन्फ्यूज। ओके okay, अच्छा अच्छा, ये इससे पहले कौन सा पेपर क्लियर करना होता है इसके लिए? CBT, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है 60 मार्क्स का। ठीक है, वो कंप्लीट करना होता है। अगर आप 50% स्कोर करते हो तब आप एलिजिबल हो आगे प्रोसेस के लिए, अगर नहीं करते हो तो एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, इसमें ज्वाइनिंग कहाँ होती है? ज्वाइनिंग कोई भी जैसे गवर्नमेंट हाउस वगैरह या फिर और कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफिस में? हाँ ओके, थैंक यू। इसका यूज़ ही है, एस्टेनो का यूज़ गवर्नमेंट ऑफिस में ही होता है। okay. अच्छा, हमें ये बता दीजिए जो कैंडिडेट्स इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए किस कोई फीडबैक कोई बताएंगे आप? इससे अच्छा SSC निकालिए, वो बेस्ट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? गुड, एक्चुअली पैसेज टफ था बट अनसीन पैसेज जो लिखते होंगे तो उसके लिए इजी है, मतलब फिर भी मैंने अटेम्प्ट अच्छा किया। अच्छा, आपका कौन सा CRPF का? नहीं नहीं, बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर। ठीक है ओके। अच्छा, स्टेनो का टॉपिक कौन सा था? ये हेल्थ पे था, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब करके। अच्छा, था। आपने इंग्लिश लैंग्वेज वाला किया है? ओके ठीक है। और ये जो टाइपिंग का कौन सा टॉपिक? टाइपिंग इजी था, जनरल जो था जो रेगुलर मार रहा उसके लिए कुछ नहीं है, मैंने तो 6 मिनट में भी कर लिया था। ओके, नो एनी एक्स्ट्रा कैरेक्टर कुछ नहीं? टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कोई वैसा नहीं था, इजी था। मतलब मेजर गेम इज ऑन स्टेनो। अच्छा, कितना टाइमिंग लगा? कुछ टाइम बच भी गया या फिर पूरा टाइम लग गया? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा कम कुछ पैरा छूट गया स्टेनो में, बाकी और सब में तो टाइम से पहले ही हो गया था। टाइम से पहले हो गया था। ओके, स्टेनो में टाइम मतलब नहीं बचा? नहीं बच पाया, क्योंकि उसका टॉपिक से जो वर्ड्स था जो मैंने कभी देखा नहीं था वो वर्ड आ गया, तो उस टाइम थोड़ा टाइम टेकिंग लग गया उसको सीन करने में। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे? ये 16 मतलब 400 अप्रॉक्स, 400 प्लस वर्ड्स था। 400 प्लस दोनों टाइपिंग और स्टेनो दोनों में? नहीं नहीं, स्टेनो का और टाइप इसका तो शायद 350 इंग्लिश का होगा और हिंदी का 250 होगा वर्ड्स। एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू वांट टू गिव फॉर फ्यूचर कैंडिडेट जो इसके लिए तैयारी करेंगे या फिर इस फील्ड में आना चाहेंगे? स्टेनो के लिए कि पर्टिकुलर रेगुलरली आपको करते रहना होगा फीडबैक, अगर आपका प्रैक्टिस छूट गया तो फिर नहीं आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे हाल मैं कोशिश ही कर पाया, लेकिन अगर रेगुलर में रहता तो और अच्छा अटेम्प्ट कर पाता। ये चीज का थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट एग्ज़ाम रिटन का था, तो रिटन क्लियर होने के बाद जैसे टाइपिंग एग्ज़ाम और स्टेनो का शॉर्ट हैंड था। अच्छा, तो आज स्टेनो का एग्ज़ाम था। हाँ ठीक है, स्टेनो के एग्ज़ाम में क्या क्या होता है? शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड है। अच्छा अच्छा, और टाइपिंग है। तो सबको मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी करना पड़ता है सबको? हाँ, दोनों। ठीक है, टाइपिंग कौन से टॉपिक पे हुआ? टाइपिंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, कैसा वर्ड वगैरह था? वर्ड सिंपल था, सिंपल थे। हाँ। एनी एक्स्ट्रा जो हाइफन वगैरह होते, एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते वो सब थे? नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, जो शॉर्ट हैंड हुआ हिंदी और इंग्लिश का, उनका टॉपिक क्या था? इंग्लिश में चीज़ पे था। ठीक है, और हिंदी में? हिंदी में महात्मा गांधी पे। अच्छा अच्छा ठीक है, इसके बाद हम ज्वाइनिंग कहाँ होती है? ज्वाइनिंग बिहार में सब जगह पे देता है। अच्छा ठीक है, जो सरकारी कार्यालय है। तो इसका पर्क्स एंड इन्वॉल्वमेंट्स क्या है, क्या सैलरी है, क्या पैकेज है इसकी? सैलरी 25,000 के समथिंग है। आप यहाँ तक आए हैं, इट्स अ बिग डील। आने वाले कैंडिडेट के लिए कोई फीडबैक देंगे जो इस तरीके का तैयारी करना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं आप या शॉर्ट हैंड का या फिर मतलब जो भी, तो उसको रेगुलर करते रहिए, 1 घंटे या 2 घंटे या फिर कितने भी, लेकिन रेगुलर होना चाहिए स्टडी। ओके, थैंक यू सो मच।